भी ये पर्ची निकालनी है फिर दिखाना है, लेकिन ऐसा पेशेंट हो होता नहीं है कि इसको पर्ची का वेट करना होता है। हॉस्पिटल में आना होता है, सीधा किसी भी हॉस्पिटल अमले से बात करनी होती है कि ये बच्चा बीमार है और इसको फटाफट डॉक्टर, हमारा इमरजेंसी डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल होता है हमारे इमरजेंसी डॉक्टर, तो उसको वो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई तो वो पर्ची का वेट उस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया, वरना हमारे तरफ से कोई कोताही नहीं, हमारा स्टाफ अवेलेबल है। जाती बात सर, जब बच्ची एक्सपायर होगी तो कहीं ना कहीं उनको पैदल जाते हुए देखा गया वहीं पे रोड पे, तो क्या यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह की कोई सहूलियात नहीं थी कि उनको एम्बुलेंस मिल सकती 4 या 5 किलोमीटर उन्होंने सफर एक्सपायर के बाद देखी। मैंने उन्हें एम्बुलेंस ऑफर की जब बच्ची शोर्ट हो गई, मैंने कहा मैं एम्बुलेंस देता हूँ। उसने कहा कि नहीं, मैं पैदल आया हूँ घर से, हमारे पास 5-6 गाड़ियाँ हैं, तो लेकिन फ़ायदा क्या है, बहुत ही ज़्यादा सड़क पर स्लिप है, गाड़ियाँ चलती नहीं हैं, बर्फ की वजह से बहुत ज़्यादा फिसलन है, तो अगर गाड़ी का मसला होता तो मैं पैदल नहीं होता हमारे घर में हॉस्पिटल के अंदर। और आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों पहले एक वीडियो हॉस्पिटल से वायरल होता है, एक शख्स जो है वो महकमा हेल्थ पर इल्ज़ाम आयद करता है कि गुंडू हॉस्पिटल जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंडू है वहाँ पे कोई डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं है, और उसकी बच्ची की मौत हो जाती है, 2 महीने की वो बच्ची होती है, और वो स्टेटमेंट देता है बाहर जाके कि मेरे 2 महीने की बच्ची डॉक्टर की लापरवाही के वजह से मौत हो गई। तो अभी हमारे साथ BMO गुंडू डॉक्टर शफकत साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, इनसे बात करते हैं आखिर अंदर का स्टेटमेंट क्या और बाहर के स्टेटमेंट में कितना फ़र्क है। सर बताएं क्या मामला हुआ था वहाँ पे। मेरे पास 10:30 के करीब मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो एक आदमी पर्ची लेके आया, तो वहाँ पे काफ़ी लोग दिखा रहे थे, तो कहने लगा कि मेरा बच्चा थोड़ा बीमार है ज़्यादा, तो मैंने उसको पकड़ के बिठा लिया, लेकिन जो ही मैंने बच्चा चेक किया तो बच्चा बहुत ही नाजुक कंडीशन में था, और मैंने उसको देखा कि वो तो सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था, और उसकी जो आंखें थी वो भी फिक्स होती थी, बिल्कुल सीरियस कंडीशन में था, उसकी सांसें भी बड़ी कम आ रही थी, नब्ज़ बिल्कुल मिल नहीं रही थी, तो मैंने उसको हमारे मेडिकल टर्म में रिसस्टेट करने की कोशिश की, जिसमें चेस्ट कंप्रेशन वगैरह आते हैं, इससे पहले कि मैं दवाई शवाई कुछ प्रिस्क्राइब करता कुछ कहता तो वहाँ टेबल भी मौत हो गई। सर कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताया कि BMO साहब आए ये उनका मानना है, लेकिन बाकी जो स्टाफ है वो एब्सेंट था, कहीं कोई पर्ची काटने वाला हमें नहीं मिला, कई जगहों पर हमें ताले मिले, आखिर वो कहाँ तक सकते हैं। देखिए पर्ची वाला 10 बजे आ जाता है, लेकिन ये हॉस्पिटल जो हमारा है वो राउंड द क्लॉक होता है, ये तो 24/7 हॉस्पिटल है, यहाँ पर रात को ड्यूटी होती है, सुबह पेशेंट आते हैं, रात को पेशेंट आते हैं, 12, 1, 4 जिस वक्त जो आए उस वक्त आते हैं, तो यहाँ पे लोगों को टाइम नहीं है, हमारे पास बच्चे आते रहते हैं, SMCU हमारे पास स्पेशली है, वहाँ पे हमारे पास मशीनें हैं, फार्मर्स हैं, हमारे पास ऑक्सीजन फैसिलिटी है सब है, फिर आपको एक बच्चा आया जिसको हमने 4-5 घंटे का SMCU का रखा, उसके बाद अपना सुबह उसे रेफर किया बोला, उसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसके माँ बाप को भी हमने बताया कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन उतनी ख़राब नहीं थी जितनी इस बच्ची की थी राबिया सर, तो हमने उसे स्टेबल करके भेजा, ये नहीं कि उसी वक्त एम्बुलेंस मंगाई और भेज दिया, उसको अच्छी तरह स्टेबल किया, फिर उसके बाद वो डोडा पहुँचने लायक जब हमें लगा ये है उसे हमने भेज दिया। हॉस्पिटल में ये होता है कि हमारा स्टाफ इमरजेंसी डॉक्टर पैरामेडिकल सारे ड्यूटी वाइज होते हैं, कोई मॉर्निंग ड्यूटी पे होता है, कोई वेट ड्यूटी पे होता है, कोई नाइट ड्यूटी पे, सुबह का टाइम था सारे ड्यूटी पे बैठे हुए थे यहाँ पे, तो हमने उस वक्त सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।